हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मथुरा अजनेरा भरतपुर नई रेल बाईपास के बारे में। जैसा कि आप अपने वीडियो में देख पाएंगे, ये बाईपास बना जा रहा मथुरा से लेकर के भरतपुर के मध्य में बनाया जाएगा। वाई अजनेरा के रास्ते ये नया बाईपास बनाया जा रहा है। इस बाईपास को बनाने का कारण है, जो ट्रेनें आपकी मथुरा आती थी अजनेरा यानी भरतपुर के रास्ते अजनेरा होकर के, उनका इंजन बदलना पड़ता था जिसमें समय काफ़ी लगता था, जिसके चलते रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ पे बाईपास बनाया जाएगा जिससे इंजन बदलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब ट्रेनों को अजनेरा रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, सीधे वो यहाँ परखम से आगे चिकसाना के लिए निकल जाएंगी वाया बाईपास के रास्ते। जैसा कि आप अपने वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बाईपास बनाया जा रहा है और इसका लगभग कुछ कार्य रह गया और लगभग पूरा होने वाला है। जल्दी इलेक्ट्रिक पोल लगा दिए गए, जल्दी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में ये रूट चालू कर दिया जाएगा। इस रूट से चालू करने जो ट्रेनें आपकी मथुरा आती थी भरतपुर के रास्ते वाया अजनेरा होते हैं, उन ट्रेनों का इंजन बदलना नहीं पड़ेगा। और जब वो ट्रेन मथुरा से भरतपुर जाती थी वाया अजनेरा होकर के, तो इंजन बदलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। उन ट्रेनों को सीधे बाईपास के द्वारा निकाला जाएगा जिससे गाड़ियों के समय की बचत होगी, साथ ही यात्रियों के भी समय बचेगा। तो रेलवे का काफ़ी बड़ा कदम है कि आने वाले समय जल्दी यहाँ पर आपको नया बाईपास देखने को मिलेगा। उम्मीद की जा रही इस रेल नए बाईपास पर जल्दी यहाँ पर ट्रेन शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आप अपने वीडियो में देख पाएंगे, यहाँ पे लगभग रेलवे लाइन पड़ चुकी है, इसका इंटरलॉकिंग कार्य रह गया है, जल्दी इंटरलॉकिंग कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य भी जल्दी पूरी होने की उम्मीद है। तो आने वाले जिस समय में जल्दी आपको ये पूरा ट्रैक कंप्लीट मिलेगा और जो इंजन बदलने की समस्या रहेगी उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है कि मथुरा अजनेरा भरतपुर रेल लाइन पर नया बाईपास लगभग तैयार हो चुका है। आने वाले समय जल्दी इसको शुरू होने की उम्मीद की जा रही है और इस बाईपास के शुरू होने से यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा, समय की बचत होगी और ट्रेनें सीधे वाया इंजन बदले हुए सीधे ट्रेन मथुरा से भरतपुर, भरतपुर से मथुरा आएंगी। अजनेरा रेलवे स्टेशन को ये छोड़ देंगे तो अजनेरा रेलवे स्टेशन इन ट्रेनों का आना जाना बंद हो जाएगा, ये ट्रेन सीधे मथुरा से भरतपुर, भरतपुर से मथुरा आए करेंगे। तो ये अपडेट थी आपकी मथुरा अजनेरा भरतपुर बाईपास के बारे में। और इस बाईपास रिलेटेड कोई और भी अपडेट निकल के आती है वैसे मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। उसके लिए आप नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो से लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैवी नाइस।